जा रहा है ना, वो क्या करेगा, मिंगल हो जाएगा सेव से, जो आपका इंटरफेस आएगा वो ऊपर से जो सारे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे एरियाज में एक बार चक्कर लगाने का ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाईज कैसी हैं, बाकी जो लॉकडाउन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोई लोकल इश्यूज़ हैं तो उनको एड्रेस करना, किस तरह की गाड़ियाँ हमारी सीएनटी से क्रॉस कर रही हैं लोकल, उसको असेस करना, पूरी सिचुएशन का रास्ते में हाईवे पे नरसू हमारा एक रेड जोन भी पड़ता है उसको भी देखा गया, बहुत स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स उसमें रखे गए हैं पुलिस द्वारा, और जो नोडल ऑफिसर हैं एक केएस ऑफिसर हैं वो उसको पूरा देख रहे हैं और प्रॉपर असेंशियल कमोडिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद पूरा चनैनी में डिफरेंट एरियाज़ में विज़िट किया गया, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को देखा गया, केंद्रीय विद्यालय चनैनी को एक फैसिलिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, कोविड सीएफसी को विज़िट किया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा गया, स्टाफ से इंटरेक्शन की गई, तो कुल मिलाकर जितनी भी कोविड रिलेटेड प्रिपरेशन हैं लोकल एसडीएम लोकल चनैनी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ते तौर पर उनको कर लिया है। बाकी कुछ इश्यूज़ जैसे पीपीई किट्स के बारे में है, कुछ और सप्लाईज़ उनको भिजवा रहे हैं वहाँ से, जिस तरीके ख़ास तौर पे डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो भी टैंकर्स वहाँ से बाहर से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली स्क्रीन किया जाए और जो मूवमेंट है उनको चेक करवाया जाए, रैंडम कुछ सैम्पलिंग कल करवाई गई है जो लोग श्रीनगर से मूव करके टैंकर्स के थ्रू इधर आए हैं, ड्राइवर्स खास तौर पे, तो आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी।